क्या आपको पता है कि फरवरी का महीना 29 या 28 दिन का ही क्यों होता है? पुराने रोमन कैलेंडर में एक साल में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे, जिसमें 304 दिन शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें दो और महीने जोड़ दिए गए, जिनका नाम जनवरी और फरवरी रखा गया। ऐसे करने से पूरा साल 12 महीने का हो गया। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का ही क्यों होता है? इसके पीछे रोमन किंग न्यूमा पोम्पोलियस का हाथ है। जी हाँ, हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो रोमन कैलेंडर पर आधारित है, लेकिन इस कैलेंडर पर भी काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि इस कैलेंडर के अनुसार त्यौहार सही समय पर नहीं आ पा रहे थे। इसके बाद इसमें काफ़ी बदलाव किए गए। इस बदलाव में फरवरी महीने से 2 दिन कम कर दिए गए, जिसके कारण साल में 365 दिन तय हो गए। यह कैलेंडर पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा के अनुसार बनाया गया था, क्योंकि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर साल 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, जो 4 साल बाद 24 घंटे यानी एक दिन में बदल जाते हैं। इसी वजह से फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन तय होते हैं। ऐसी पोस्ट और वीडियो देखने के लिए हमें